This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था लगातार सातवें दिन रवाना हो चुका है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह आज सांसद पद की शपथ लेंगे। अमृतपाल सिंह को 4 दिन पेरोल मिली है। मौसम विभाग द्वारा नैनीताल जिले में 5 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के मद्देनजर जिले में शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। हाथरस हादसे में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस का मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस ने उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस हादसा बेहद दुखद है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होनी है। इस बैठक में 19 बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में बताया कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह सुरक्षा उनके आवास के आसपास ड्रोन दिखने के बाद बढ़ाई गई। मनसे की श्रमिक शाखा के पदाधिकारी को चंद्रपुर शहर के रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में गोली मारी गई, जिससे अमन अंतिवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भारतीय टीम मरीन ड्राइव से ट्रॉफी के साथ खुली बस में चढ़ी और विजय जुलूस में हिस्सा लिया। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक लाखों प्रशंसकों का हुजूम देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का मुंबई के मरीन ड्राइव पर लाखों की संख्या में उत्साहित क्रिकेट फैंस ने भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। T20 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम की विक्ट्री परेड पर CM एकनाथ शिंदे ने टीम इंडिया का अभिनंदन किया और कहा कि वो उनका मुंबई में स्वागत करते हैं। CM एकनाथ शिंदे से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव समेत कई खिलाड़ी मिलेंगे। इस बात की जानकारी शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने दी है। कई दिनों से महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने OBC चेहरों पर दाव लगाया है। बैंकिंग शेयरों में गिरावट के चलते सप्ताह के अंतिम दिन घरेलू बाजार ने कारोबार की खराब शुरुआत की। एक दिन पहले नया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई। टमाटर उपजाने वाले राज्यों में भारी बारिश के चलते आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसके चलते खुदरा कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में भाव और बढ़ सकते हैं। BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस वीडियो में रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या समेत पूरी टीम दिख रही है। टीम इंडिया जिस प्लेन से दिल्ली से मुंबई पहुंची है, उसे मुंबई एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट दिया गया। विकी कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी और एमी विर्क भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। कल की 2898 AD की कमाई की रफ्तार ने प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन समेत मेकर्स को काफी खुश कर दिया है। फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही 1,000 करोड़ के कल्ब में शामिल भी हो जाएगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN न्यूज। नमस्कार।